अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आई हूँ आपके पास एक नई वीडियो लेकर, जिसमें मैं आपको बताऊँगी एक नेचुरल डाई के बारे में, जो कि बालों को एक बहुत ही अच्छा और नेचुरल कलर देगा, साथ ही साथ आपके बालों की ग्रोथ को भी बढ़ाएगा और आपके बालों को चमकदार भी बनाएगा। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ कि आप अपने बालों को बेशक मुख्तलिफ तरीक़ों से रंग सकते हैं। आप सैलून जाकर भी बालों को रंग सकते हैं, घर पे भी रंग सकते हैं। कुछ ऐसे स्प्रेज़ भी अवेलेबल हैं जो कि टेम्पररी तौर पे आपके बालों को कलर कर देते हैं, लेकिन ये जितने भी बाजारी केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, ये आपके बालों को सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान पहुंचाते हैं या टेम्पररी आपको एक नई लुक दे देते हैं। इसके अलावा इनका और कोई काम नहीं है, ये आपके बालों को परमानेंटली डैमेज करके रख देते हैं। एक दो दफ़ा की एप्लीकेशन के बाद आप देखेंगे कि आपके बाल रफ़ हो गए हैं, वो अपने पहले की तरह की कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं होते। तो बेहतर है कि इन तमाम बाजारी चीज़ों से बचा जाए और अपने बालों की साख्त को बरकरार रखा जाए। तो अगर आपको अपने बालों से प्यार है तो कभी भी बाजारी प्रोडक्ट्स को यूज़ करके अपने बालों को ना रंगे, बल्कि कुदरत से करीब रहें। आप जितना कुदरत के करीब रहेंगे, आपकी सेहत और आपके बॉडी पार्ट्स उतने ही ज़्यादा सेहतमंद रहेंगे, उतने ही ज़्यादा वो हेल्दी रहेंगे। तो सिर्फ़ और सिर्फ कुदरती चीज़ों के ज़रिए आप अपने बालों को कलर करने की कोशिश करें, और कुदरती ही चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए आप देखेंगे कि जो आपने कलर किया है अपने बालों को, जो आपने डाई किया है, वो ना सिर्फ देर पा होगा बल्कि इसके ज़रिए आपके बाल जो हैं वो बढ़ेंगे भी, वो लेंथ वाइज इंक्रीज़ भी होंगे, वो चमकदार भी होंगे और बिल्कुल रेशमी मुलायम से आपके बाल हो जाएंगे। जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, आप देखेंगे उसके एक दफ़ा के इस्तेमाल से ही आपको उसके रिजल्ट्स मिल जाएंगे। लेकिन चूंकि ये नेचुरल चीज़ें होती हैं, आपको इनको वक्तन फवक्तन बार बार यूज़ करना पड़ता है, फिर जाकर आप अपने जो आपके हैं मन चाहे जो रिज़ल्ट्स हैं वो आप हासिल करते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो बालों को डाई करने की जो रेसिपी है, इसमें मैं आपको एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी बताऊंगी जो कि हो सकता है आप लोगों ने पहले ना सुना हुआ हो। ये इंग्रेडिएंट आपके बालों को लेंथ भी इंक्रीज़ करता है, आपके बालों को मज़बूत भी बनाता है और एक थोड़ा सा आपके बालों में टिंट और कलर ऐड कर देता है, जिससे कि आपके बालों का कलर और खिल कर आता है। तो हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो डाई बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक कप बाजारी मेहंदी चाहिए। बाजारी मेहंदी खुली मेहंदी होनी चाहिए, जो बिल्कुल नेचुरल डाई है, जो नेचुरल मेहंदी होती है वो हमेशा रेडिश कलर देती है। तो ये जो काली मेहंदी आ जाती है ये नेचुरल डाई नहीं है। आपने बाजारी खुली मेहंदी लेनी है एक कप, साथ आपने लेना है एक कप पानी, उसके अंदर आपने डाल देनी है चाय की पत्ती, दो तीन चम्मच डाल दें, जितनी स्ट्रॉन्ग आप बना सकते हैं आप बना लें। उसको आपने अच्छे तरीके से पका लेना है। जब वो अच्छे तरीके से पक जाएगी, उस पर दो तीन बॉयल आ जाएंगे, फिर आपने उस पानी को ठंडा करने के लिए रख देना, और जब बिल्कुल पानी ठंडा हो जाएगा तभी आपने इसको मेहंदी में ऐड करना है। गर्म पानी को आपने मेहंदी में ऐड नहीं करना। इसके साथ साथ अगर आप अपने बालों को रेडिश टिंट देना चाहते हैं, हल्का सा ब्राउनिश रेड कलर देना चाहते हैं, जो कि हल्की सी फेयर स्किन के ऊपर बहुत ही अच्छा लगता है, तो उसके लिए आपने इसमें ऐड करना है चुकंदर का जूस। चुकंदर का जूस वैसे तो ऑप्शनल है, आप यूज़ करना चाहें, आपको ईज़िली अवेलेबल है तो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर ये अवेलेबल नहीं है आपके पास तो बेशक आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन अच्छी बात है कि अगर आप इसको इस रेसिपी में इस्तेमाल कर लें, क्योंकि ये भी आपके बालों को एक बहुत ही अच्छा कलर प्रोवाइड करता है। आप इधर चाय की पत्ती की जगह, जो मैंने आपको पहले बताया कि चाय की पत्ती को आपने पानी में खपा के अच्छी तरह से आपने उसका पानी ठंडा करके रख लेना, आप उसकी जगह कॉफ़ी भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरी कोशिश ये थी कि मैं उन चीज़ों के बारे में आपको बताऊं जो आपको ईज़िली अवेलेबल हो, चूँकि चाय की पत्ती हर किसी के घर में होती है तो आप वही यूज़ कर लें, वो भी अच्छा रिज़ल्ट देती है। अच्छा, इसके बाद आपने एक लेमन ले लेना है, उसके साथ आपको चाहिए होगा एक छोटा सा पीस, मतलब 2 इंच का पीस हो अदरक का, आपने उसका पेस्ट बना कर रख लेना है।
तीन से चार चम्मच बड़े चम्मच आपने सरसों के तेल के लेने हैं, और जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट की मैंने बात की वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है आपका दालचीनी। आपने दालचीनी लेकर उसका पाउडर बना लेना, और एक बड़ा चम्मच आपने उसमें बड़ा खाने का चम्मच आपने ऐड करना होगा इस पेस्ट में दालचीनी का। तो इनके क्या क्या फ़ायदे हैं उसकी हम आगे बात करेंगे, पहले हम रेसिपी देख लेते हैं कि आपने रेसिपी बनानी कैसे है। सबसे पहले आपने एक शीशे का बाउल ले लेना है, कोशिश करें शीशे का ही बाउल लें क्योंकि मेहंदी जो है वो कलर भी छोड़ती है, और ये काम आपने रात को करना है क्योंकि आपने इस मिक्सचर को पूरी रात पड़े रहने देना है और नेक्स्ट डे आपने इसकी एप्लीकेशन करनी है। तो रात को आप ये काम कर लें, पूरी रात ये मिक्सचर पड़ा रहेगा, तमाम इंग्रेडिएंट्स आपस में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे, अपना कलर छोड़ देंगे, नेक्स्ट डे आपने इसकी एप्लीकेशन करनी है। तो इसके लिए कोई ये नहीं है, क्योंकि ये एक नेचुरल डाई है, कोई इस तरह की पाबंदी नहीं है कि आपने फ़ौरन ही बालों को वॉश करना है या आपने किस तरह से अप्लाई करना है। आपके बाल गंदे भी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होता है कि आप बालों को वॉश कर लें, जब वो 80% ड्राई हो जाए फिर आप बालों के ऊपर ये एप्लीकेशन करें इसकी। अगर आप सूखे बालों के भी ऊपर भी एप्लीकेशन कर रहे हैं तो इसमें कोई इस तरह की बात नहीं, आप कर सकते हैं। तो अब चलते हैं, आपने चीज़ों को मिक्स किस तरह से करना है। एक बड़े शीशे के बाउल में आपने रात को ही मेहंदी लेनी है 1 कप, उसके अंदर आपने चाय के पत्ती का पानी और चुकंदर का जूस ऐड करना है, तब तक ऐड करते जाना है और साथ साथ आपने चम्मच हिलाते जाना है। तब तक आपने इसको ऐड करना है जब तक कि वो केचप जिस तरह का होता है, केचप से थोड़ी थिक कंसिस्टेंसी में ना आ जाए, मतलब केचप फिर पतला होता है, आपने इसको इतना गाढ़ा बनाना है कि वो केचप से थिक कंसिस्टेंसी में आ जाए, तब तक आपने इसको मिक्स करते जाना है। फिर आपने इसमें एक लीमू का रस ऐड कर देना है, जो अदरक का पेस्ट बना कर रखा हुआ था वो ऐड कर देना है, दालचीनी ऐड कर देनी है और साथ सरसों का तेल ऐड कर देना है। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है, और एंड पे कंसिस्टेंसी आपके पास किस तरह की आनी चाहिए, केचप से थोड़ी थिक आनी चाहिए, मतलब काफ़ी गाढ़ा आपने रखना है अपने इस मेहंदी के मिक्सचर को। ये तमाम चीज़ें जब अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगी आपने उस बाउल को ढक के ओवरनाइट छोड़ देना है, पूरी रात वो बाउल पड़ा रहेगा। फिर नेक्स्ट डे आपने क्या करना है, आपने करनी है अपने बालों के ऊपर इसकी एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन के लिए क्या है, वही तरीका है, चाहे तो आप अपने बाल धो लें पहले जब वो 80% ड्राई हो जाएं, फिर आप एप्लीकेशन करें। अगर नहीं भी आप धोना चाहते हैं तो आप सूखे बालों के ऊपर भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। आपने छोटे छोटे स्ट्रैंड्स लेने हैं अपने बालों के, और रूट से लेकर जड़ों से लेकर बालों की टिप्स तक आपने प्रॉपरली अप्लाई करनी है मेहंदी। ठीक है, जो ये मेहंदी का मिक्सचर बन गया है आपने रूट्स से स्टार्ट करना है और बालों की टिप्स तक आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने का ये तरीका होता है कि जो बालों की पीछे वाली साइड है उधर से आप अप्लाई करना शुरू करें और साथ साथ जूड़ा बनाते जाएं, मतलब एक स्ट्रैंड हो गया उसका आपने जूड़ा बना दिया, फिर दूसरा स्ट्रैंड ले उसको उसी जूड़े के ऊपर रोल कर दे, फिर तीसरा स्ट्रैंड उसको उसी जूड़े के ऊपर रोल कर दे। इस तरह से आपके बालों के तमाम स्ट्रैंड्स लेकर एक जूड़े की फॉर्म में आपने उसको पीछे रोल अप कर देना है। नेक्स्ट जो काम आपने करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ऊपर लाजमी शावर कैप पहननी है। अगर आपके पास शावर कैप नहीं अवेलेबल तो आप ये जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं जो शॉपर आम यूज़ के लिए आते हैं प्लास्टिक के घर में, आप उनसे अपने बालों को कवर करके रखें। अब अगर तो आप शाइनिंग के लिए ये प्रोसेस कर रहे हैं तो आप अपने बालों में ये लगा रहने देंगे 1 से 1.5 घंटे तक, लेकिन अगर आप ये कलर के लिए कर रहे हैं तो 3 से 3.5 घंटे तक लाजमी आपने ये अपने बालों के ऊपर लगा रहने देना है, और बालों को लाजमी रैप करके रखना है शावर कैप से या किसी पॉलीथीन बैग से, ताकि अंदर जो मेहंदी है वो ड्राई ना हो। जब तक वो गीली रहेगी वो कलर आपके बालों में ट्रांसफ़र करती रहेगी, तो ये शावर कैप पहनना बहुत ज़रूरी है। 3 से 3.5 घंटे तक आपने लगा रहने देना है, फिर आपने अपने बालों को सादा पानी से धो लेना है। फ़िलहाल आपने ना शैम्पू यूज़ करना है, ना कंडीशनर यूज़ करना है, और ना ही नहाने के बाद आपने तेल लगाना है। तकरीबन 2 दिनों तक आपने तेल की एप्लीकेशन अपने बालों के ऊपर नहीं करनी है। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि जो मेहंदी है वो बालों के लिए कितनी फ़ायदेमंद है, ये ना सिर्फ आपके बालों को कलर देती है बल्कि आपके बालों को चमकदार भी बनाती है।
तो इसके साथ हमने इसमें चुकंदर का जूस ऐड किया था। चुकंदर भी बालों के लिए बहुत ही अच्छी है, बालों को अच्छा कलर देती है, साथ ही उनके शाइन में भी इजाफा करती है। जो आपने लीमू ऐड किया, लीमू आपकी बालों की शाइन के लिए बहुत अच्छा होता है। आप वैसे भी जब भी नहाएं तो लास्ट पे आप एक जो जिस टब से आप नहा रहे हैं उसमें एक लीमू स्क्वीज़ करके वो रख दें और एंड पे वो पानी अपने बालों पे फेंक लें, ये आपके बालों को शाइनी बनाएगा। इसके साथ साथ हमने अदरक और दालचीनी यूज़ की, ये आपके बालों, आपकी जो मेहंदी लगाई है आपने उसको ना सिर्फ खुशबू देती है बल्कि ये एंटी फंगल भी है और एंटी बैक्टीरियल भी है। मतलब ये आपके बालों को बैक्टीरिया और फंगस वगैरह की ग्रोथ से बचाती है। इसके साथ साथ ये आपके बालों की ग्रोथ को भी इंक्रीज़ करने में मदद देती है। मतलब दालचीनी वगैरह ये आपके बालों की ग्रोथ को इंक्रीज़ करती है और आपके बालों को एक बहुत अच्छा सा टिंट भी प्रोवाइड करती है। तो ये आज की हमारी रेसिपी थी कि आप नेचुरल तरीके से अपने बालों को किस तरह से कलर कर सकते हैं। एक बात आपने याद रखनी है कि ये बालों के टेक्सचर के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह का कलर आपके बालों पे आएगा और आपका प्रीवियस कलर बालों के ऊपर कौन सा था, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि फ़र्स्ट टाइम पे एप्लीकेशन के बाद आपके बालों पे कैसा कलर आएगा। आपने इसको हफ्ते हफ्ते के गैप से जब आप 2-3 दफ़ा कलर करेंगे ना, तो तीसरे ही जो आप है तीसरी एप्लीकेशन उसमें ही आपको आपका फेवरेट कलर जो कि रेडिश ब्राउन है वो मिल जाएगा। और जो लोग अक्सर कलर करते रहते हैं, उनके वाइट भी हैं बाल, उनको फर्स्ट ही एप्लीकेशन के बाद रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक नेचुरल डाई नहीं है, ये आपके बालों को सिल्की और स्मूथ भी बनाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।